तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की जलेबी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप इसे व्रत की चटनी या फिर दही, दही का रायता, जैसे आपका मन करे उसके साथ में आप खा सकते हैं। और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये जलेबी बनने में आई है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक जलेबी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बनी है। इन्हें बनाने के लिए हमने देखिए लिए हैं सामक, जिन्हें सामा के चावल भी बोलते हैं, और ये है साबूदाना। तो जितने हमने सामक लिए हैं, मीन सामा के चावल, उसे आधे हमने लिए हैं साबूदाना। दोनों चीज़ों को अब हम एक साथ में पीस लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है हमें, और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। दरदरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसकी जलेबी बना रहे हैं, तो एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसे मैं छान लेती हूँ। आप चाहें तो इसे दोबारा पीस सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा हमने छान लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच सेंधा नमक, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है आमचूर पाउडर। अगर आप आमचूर पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप पानी की जगह इसे दही में घोलिए, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। थोड़ा खट्टापन होगा ना, तब ये जलेबी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये जो हमने सामक और साबूदाने का आटा तैयार किया है, ये जैसे ही हम पानी डालते हैं ना, फूलता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे चेक करते जाइए कि आपको कितने पानी की आवश्यकता है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूंगी, करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट के लिए ढक कर इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पर लिए हैं मैंने ये उबले हुए आलू। तो 3 यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्ची कूट करके डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पिस जाएगी। और थोड़ा पानी डाल करके हम इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, जो सामक और साबूदाने का हमने घोल तैयार करा था, और ये आलू और हरी मिर्ची वाला पेस्ट भी। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में हमें जितनी ज़रूरत लगेगी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए, अभी मुझे इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत और लग रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। जैसा जलेबी का घोल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही घोल तैयार करना है हमें, ताकि जलेबी आसानी से बन सके। तो ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने एक फ्लैट पैन लिया है और उसमें तेल डाल दिया। और इधर मैंने जो ये बैटर तैयार किया था, इसमें करीब 1/4 चम्मच मैंने मीठा सोडा डाला है, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही। इससे क्या है कि इसमें थोड़ी सी फुलावट आएगी और जलेबी बहुत बढ़िया बनेगी। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ये पाइपिंग बैग। आप चाहें तो दूध के पैकेट भी ले सकते हैं अच्छे से वॉश करके, या फिर मार्केट में जलेबी बनाने के कपड़े मिलते हैं वो ले सकते हैं, या फिर जो सॉस वाली बोतल आती है वो ले सकते हैं। जो आपके पास में घर में अवेलेबल हो, उससे आप ये जलेबी बना सकते हैं। मेरे पास ये पाइपिंग बैग पड़ा था, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने काट लिया है इसे। और अब ये देखिए, तेल हल्का गर्म हो गया, इसी में हम ये जलेबी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए होता है, गैस हमें बिल्कुल धीमी करने के बाद ही जलेबी इसमें डालनी होती है, उसके बाद गैस को तेज़ करते हैं, तेज़ से मतलब मीडियम। तो ये देखिए, जलेबी मैंने पहले चेक की है, 3 जलेबी डाल करके, तो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब मैं बाकी की जलेबी भी इसमें डाल देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जलेबियाँ बनने में आ रही हैं। फ्लेम मैंने इस समय पर लो रखा है। आप चाहें तो ये जलेबी मीठी भी बना सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्ची और सेंधा नमक वगैरह रहने दीजिएगा, और सिंपल ये जलेबी बना लीजिएगा, और उसके बाद इन्हें चाशनी में डाल दीजिएगा, तो आपकी मीठी जलेबी तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, एक बैच हमारा तैयार है, और अब मैं बची हुई जलेबियाँ भी आपको तल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत आसान है। बस जब आप इसमें जलेबी डालें, तो फ्लेम को लो कर दीजिए, उसके बाद फिर मीडियम कर दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आ रही है।
बहुत बढ़िया लगती है ये। ये देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बस बैटर की कंसिस्टेंसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपकी जलेबी आसानी से बन जाएंगी। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जलेबी बनी है। और अब एक जलेबी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, बहुत ही कुरकुरी बनी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।